टोस्ट किया गया है, थोड़ा क्रिस्पी, हाँ क्रिस्पी तो, लेकिन ये सब खा लोगे इतने बड़े बड़े तो फिर बहुत खाना आ रहा है। लेकिन हम दोनों का तो पास्ता, तुम्हारा पास्ता फेवरेट है कि नहीं? हम दोनों का पास्ता चाइनीज, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बहुत सारा ऑक्टोपस है भाई, ऑक्टोपस नहीं खा रही। देवदा कच्चा फिश खा रहे हैं मम्मी। दिस इज आही टूना। आही टूना देखो मम्मी, पूरा कच्चा कच्चा, पूरा कच्चा, इसीलिए मुझे वो इटली रेस्टोरेंट में लाए हैं, कच्चा खाओ। मैं तो नहीं जानने हूँ बहुत सारे चीज को, देखो नहीं सब सब कच्चा नहीं ए भाई, सब कच्चा मम्मी देखो। नहीं खाऊंगी, तुम खाओ, खाओ थोड़ा पाओ। लेमन बहुत ही टेस्टी, ये इसमें चॉकलेट, चॉकलेट ना, ये क्रीम, क्रीम, ये क्रीम, बाबा। एंड दिस इज देयर ओरिजिनल ग्लेज। बहुत टेस्टी, बहुत। ये एम्बुलेंस का साउंड भी भीड़ के बीच और कोई खड़े रहते हैं रोड को क्रॉस करने के लिए। और दूर से टाइम्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। देवाशीष किस लिए बिजी हो? ट्राइंग टू गेट उबर। ओके, थे तो इतना हैपनिंग सिटी ओ है, दिन रात चलता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो मैंने सोचा आपको ब्लॉग में थोड़ा दिखा दूं जिस स्ट्रीट में क्या क्या बेच रहे हैं, क्या पेंटिंग कर रहे हैं, कितने सारे फूड वैन से डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ऑल ओवर वर्ल्ड से वो बेचते हैं, नहीं कि सिर्फ अमेरिकन फूड, किसी भी चीज़ को, कोई भी कंट्री को, आप पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो और वियतनामीज हो, मैक्सिकन, सब फूड का भंडार। तो चलिए आज शेयर करवाती हूँ जे मैंने ये 6 दिन में क्या देखा। और ये देखिए स्ट्रीट में हम लोग जा रहे थे और देखा कि स्ट्रीट में वो पेंटिंग कर रहा है, इतना क्रिएटिविटी आप देखिए। और $20 $10 में उसका वो पेंटिंग को बेच रहा था, और टाइम स्क्वायर का पेंटिंग ही कर रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग और आसपास का सनसेट व्यू हो और सनराइज का व्यू के साथ, देखिए इतना अच्छे से 10 मिनट में वो रेडी कर दिया। उसके बाद हम लोग चले क्रिस्पी क्रीम, ये जो इतना भीड़ मैं कभी नहीं टेस्ट किया था, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा डरती हूँ मेरा वेट के लेके, लेकिन बाहर देखा इतना बड़ा लाइन, तो मैंने देवाशीष को बोला चलो आज मैं ये ट्राई ही करती हूँ। तो अंदर जैसे गए हमको तो 30 मिनट जैसे लगा अंदर जाने में, और ढेर सारा चीज़ था, मैंने कुछ भी नहीं जानती थी जे उसके अंदर क्या देते हैं। तो देवाशीष को तो आइडिया था, वो मेरे लिए 3-4 पीस लाए और मैंने देखा इतना टेस्टी, अंदर लेमन का भी हो, क्रीम देते हैं ढेर सारा, मैं ये तीनों को खा ही लिया। और चलिए आज तो शेयर करवाती हूँ जिस स्ट्रीट में क्या बेचते हैं, क्या मैंने खाया, क्या देखा, यही के ऊपर आज का ब्लॉग रहेगी, और मैं जानती हूँ आप जरूर इसको एंजॉय करेंगे, तो छोड़ के मत जाइए, शुरू से लेके एंड तक देखिए। तो इवनिंग हो चुका है, मैं आपको अभी लेके चलती हूँ जे एक फूड वैन, यहाँ इतने सारा फूड वैन है और
इतना अच्छा फूड आपको देंगे। तो चलिए फूड वैन का दर्शन करवाती हूँ। हमेशा हम लोग पढ़ते हैं ना फूड वैन, मैं तो बहुत बार डिस्कवरी चैनल में देख चुकी हूँ और मैं ज़्यादातर अट्रैक्ट हो गई क्योंकि मेरा फैक्ट्री में भी यही बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील का किचन इक्विपमेंट्स हो या फूड वैन। इतना बिजी रास्ते में तेरा सीस, हेलो बोलो। हेलो, कैसे फील कर रहे हो? वेरी गुड। ये तो तुम्हारा थर्ड की फोर्थ विजिट है? वाओ, आई हैव बीन हियर लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि तुम तो यही पढ़ रहे थे। मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड होंगी तो तुमको थोड़ा, but I am every time I am equally excited. Equally excited. This one, ketchup, mustard and onions. स्ट्रीट फूड इतना फेमस है, देखिए जस्ट लुक एट दिस, दिस इज माय कबाब चिकन रोल, चिकन कबाब रोल, देखिए हाउ द बेस्ट कबाब मोर स्पाइसी। यस, थैंक यू, आप सच इतना, यहाँ जहाँ भी देखो एक एक गली में ट्रक और इंडियन है और उसका इतना स्पाइसी चिकन, चिकन है राइस, बोल चिकन ओवर राइस, चिकन ओवर राइस, यहाँ कुछ भी दो वही करते हैं। हम लोग घर में क्या खाते हैं? चिकन करी एंड राइस, चिकन ओवर राइस, ओके, फिश ओवर राइस, लैम ओवर राइस, ये भी एक अच्छा है। न्यू ईयर आए और फास्ट फूड ना खाए ऐसे कैसे हो सकता है? ये चिकन विद बॉल, चिकन ओवर बॉल, चिकन ओवर राइस, ओवर राइस, चिकन ओवर राइस, मतलब मैं दिखाती हूँ क्या चिकन ओवर राइस। देखिए ये सलाद है, ये चिकन है, नीचे राइस है और ये रोल है। ये क्या बोला? ईरान, इरो, जायरो, ना ना जायरो जे, ओ कहाँ? इट्स अ ग्रीक, ओ इजिप्ट बोला, ग्रीक, दैट फूड इज ग्रीक फूड। ये रोटी है, नीचे सलाद है, ऊपर चिकन है, चिकन नहीं, लैम, नहीं नहीं, ये मेरा चिकन है, ओ दैट इज, तुम्हारा सैंडविच ये है मटन जो लैम, बस माइन इज लैम। तो आप सोचिए इतना चटपटी हम, मैं कल खाई थी और इतना अच्छा लगा, आज मैं देवाशीष को बोला कि यही लेके आओ। मेरा तो आप ब्लॉग में देखोगे जब मैं क्या क्या अमेरिकन जो खाते हैं यही खाते हैं हम लोग, एक्चुअली बनाते हैं रोटी और चिकन डिफरेंट और रोटी के अंदर ही चिकन डाल देते हैं हम लोग, बनाते हैं चिकन राइस और चिकन राइस के ऊपर ही चिकन, फूड सेम है, देखने में इतना टेम्पटिंग और टेस्टी भी बनाते हैं। देखिए टाइम्स स्क्वायर का, जितने दो दिन से मैं आ रही हूँ, आज आज ये मेरा थर्ड डे है, लेकिन देखिए कितना हैपनिंग सिटी है, क्या क्या चल रहा है। आप इधर आओगे रात को 12 बजे तो कैसा ही चलता रहता है, और देखिए तो स्टेयर के से बैठ के हर कोई एंजॉय कर रहा है स्ट्रीट को, और सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रीट को कभी भी कोई भी कुछ भी प्रोग्राम कर देता है और स्ट्रीट बंद हो जाता है, पुलिस आते हैं और ऐसे ही
कुछ भी बोलते नहीं है, हंसते हैं चले जाते हैं, इतना अच्छा लग रहा है। मैं तुमको नहीं दिखा रही हूँ, ये मेरा चॉकलेट संडे और ये चिकन, चिकन राइस विथ सलाद, चिकन ओवर राइस, ये बहुत ही टेस्टी है। चलो खाना खाते हैं उसके बाद। नाम तो बोलो, इटली नाम है भाई, इटली का नाम है पिकोला कुसीना, इटालियन नेम। और यही डिनर करेंगे, ये हम लोग का न्यू ईयर का लास्ट डिनर होगा। On this trip. हाँ, on this trip. Yes, exactly. बाहर का व्यू तो बहुत अच्छा है, दिन भर इतना गर्मी हो रही थी, अभी बारिश। यानी न्यूयॉर्क का जो वेदर बोल भी नहीं पाऊंगी। तो चलिए, जैसे फूड आएगा तो हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी कितना टाइम हुआ है, 7:50 और वेटिंग लिस्ट है 8:15। तो चलिए देखते हैं, ये इतना फेमस इटली फूड मिलता है, पिकोला कुसीना, कुसीना। ओके, पिकोला कुसीना, अभी ठीक से प्रोनाउंसिएशन किया। न्यूयॉर्क छोड़ने से पहले एक इटालियन रेस्टोरेंट भी गए थे, बहुत ही अच्छा था। तो चलिए मेरा वो एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो इटालियन रेस्टोरेंट में मैंने क्या खाया। देखा, इंडिया में हम लोग जब रेस्टोरेंट में बैठते हैं बहुत ही चुपचाप क्वाइट, लेकिन यहाँ बहुत ही एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं और जोर जोर से हंसना, बातें करना, ये एक साधारण सा अमेरिकन रेस्टोरेंट में होता है। अभी भी हम लोग वेटिंग में है और पता नहीं कब मिलेगा। देखिए कैसे हंस रहे हैं, पी रहे हैं, यही है। और ये है मेनू, इधर भी लिखा हुआ है। Ceviche is fish. It has salmon, cod, and I don't know what other fish. ये salmon, cod, octopus तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं, no octopus. Ceviche, रुको एक फोटो उठा लेती हूँ। Ceviche. तुम कच्चा क्यों डालो? ऐसे ही आता है। ये थोड़ा बीटा है, नॉट स्वीट। और क्या, टेस्ट इज नॉट गुड, इट्स कॉल्ड ग्रेटर। Even this is not good. No, taste is not good because I am not acquainted with bitterness. I always drink some sweet. Yeah, sweet होता है, कुछ भी होता है। इधर sweet नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एक bitter आता है। ये मेरा Italian restaurant का horrible experience। मैं सचमुच ये सब experience नहीं किया। खाना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल पूरा dried है। सच नहीं आया। निकल के हम लोग रास्ते में आए और क्रिस्पी क्रीम का और शॉप मिल गया, उधर से 3-4 बेगल्स खरीदे और दोनों खा के, ये टाइम स्क्वायर का आज लास्ट डे है, न्यू ईयर को छोड़ने वाले हैं, मिला जुला एक्सपीरियंस है। सब देख के और रास्ते में खा के हम लोग एंजॉय कर रहे थे। ढेर सारा ये स्मृति को लेके मैं वापस जाऊंगी। ये तो मेरा मिक्स
बोलते हैं ना मिला जुला एक्सपीरियंस, बहुत सारा चीज मैंने सीखा, ढेर सारा स्ट्रीट में देखा, इतने सारे चीज। देखिए महाराष्ट्र मैडम जो बैठे हैं उनका पूरा, और जो आर्टिस्ट उनका ही फोटो एक्यूरेट वही पेंटिंग कर रहे थे। तो देवाशीष और मैं कुछ स्मृति को कलेक्शन करने में लगे पड़े थे, कुछ अच्छा फोटो। और चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यही रख रही हूँ, फिर कल नया दिन नया ब्लॉग के साथ मिलूंगी। और आज मेरा न्यूयॉर्क सिटी का लास्ट डे है, तो कल फिर और एक जगह जाऊंगी जो सरप्राइज रहेगा, और देखना मत भूलिए वो ब्लॉग को। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।